प्रार्थना का मतलब होता है प्रार्थना या प्रेयर, यानी कि जैसे आप अपनी माता से कहते हैं कि माता मुझे खाना दीजिए, तो खाना देना जो मांगना होता है वो याचना होती है, आप रिक्वेस्ट करते हैं। या आप अपने टीचर से कहते हैं कि आप हमें पढ़ाइए, तो बेशक आप याचना शब्द ना भूलें, मगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप पढ़ाइए। तो इससे होता क्या है बेसिकली, पहले ये देखें कि याचना है क्या और ये क्यों होती है, मैं आपको बताता हूं। याचना में बोलते हैं ओकास अहंग भन्ते, ओकास का मतलब है कि हमें स्पेस दीजिए, हमें समय दीजिए, हमें स्थान दीजिए, भन्ते ओकास अहंग भन्ते। फिर बोला जाता है ती सरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुहं कत्वा शीलं देथ मैं भन्ते। इसका मतलब है ती सरणेन यानी तीन शरण दीजिए हमें, जो तीन शरण बुद्ध की शरण, संघ की शरण और धम्म की शरण है वो दीजिए। सह पंचशीलं साथ में पंचशील दीजिए, पंचशील का धम्म दीजिए, मैं उसकी याचना करता हूं, याचामि अनुगं कत्वा हमें अनुग्रहित करें, शीलं देत में भन्ते शील देकर भन्ते, ऐसा करते हैं। और ये तीन बार करते हैं, पहली बार करते हैं पठमा, फिर करते हैं द्वितीयम्पि, फिर करते हैं तृतीयम्पि, तीन बार करते हैं। और तीन बार करने के बाद में भन्ते जी फिर कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा आप मेरे पीछे कहें। होता क्या है कि ये जो तीन शरण जो दी जाती हैं, तीन शरण खाली शाब्दिक नहीं है। जब एक फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो अधिकतर कार्यक्रम के अंदर ये शर्त होती है कि कार्यक्रम में कम से कम उस समय मनुष्य अपने मन को शुद्ध और साफ करके बैठे, तो उसको ये तीन शरण तीन बातें दी जाती हैं ताकि वो अपना मन साफ करे। और लेने वाले की स्थिति का पता चलता है, क्योंकि लेने वाला अगर इसको मांगता है तो इसका मतलब वो इसको ग्रहण भी करेगा। इसका मतलब भिक्षु किसी को एजुकेट कर रहे हैं तो वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भिक्षु जाके बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि सब लोग बैठो और सबको तीर्षण लेनी है। भाई आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, तो भिक्षु की एजुकेशन बेकार जाएगी, एनर्जी बेकार जाएगी और कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए पहले ये देखा जाता है कि आपका मन है या नहीं है। तो अगर आप याचना करते हैं तो याचना करने की फ्रीक्वेंसी से, याचना करने के तरीके से, याचना करने के लोगों के बैठने के तरीके से, वहां जो टीचर है भिक्षु वो ये समझ जाते हैं कि यहाँ जो लोग सीखने आए हैं उनका मन कितने परसेंट है और कितना है। पहली तो बात यह होती है। फिर तीन बार इसलिए होती है कि तीन बार में, पहली बार तो मन से होती है, दूसरी बार वो वाणी से यानी वचन से होती है, और तीसरी बार वो कम से यानी कि कार्य से होती है। तो तीन बार में वो इसको देखते हैं कि तीनों बार में क्या उनकी मन की स्थिति, उनके शरीर की स्थिति और उनकी वाणी की स्थिति बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या कितनी ठीक है सुनने के लायक। इसलिए जितने भी धम्म सभाएं होती हैं उनमें सबसे पहले सीखने वाले याचना करते हैं। और ये याचना का जो तरीका है, और याचना क्योंकि याचना बुद्ध के समय से होती है, बुद्ध से जब एजुकेशन मांगी जाती थी तो बुद्ध जब तक नहीं एजुकेशन देते थे जब तक सामने वाला उसको ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। और उसके लिए जरूरी था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी साउंड की जो वाइब्रेशन है, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो पूरी पूरी मन की स्थिति है, या जो माइंड से ब्रेव्स आ रहे, जो माइंड से तरंगे आ रही हैं या जो माइंड से रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो बिल्कुल सही तरह से पहचान लें, इसलिए ये बोला जाता था।